2018 में एक फिल्म आई थी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, जो लोगों को पसंद नहीं आई, जबकि उसमें कैटरीना कैफ, अमिताभ बच्चन और आमिर खान जैसे एक्टर थे। पर नहीं आई पसंद, स्टोरी अच्छी थी ही नहीं मूवी की, और उसके बाद आमिर खान की अभी तक कोई भी मूवी नहीं आई। अब ये मत समझ लेना कि आमिर खान को ठग्स ऑफ हिंदुस्तान से झटका लगा होगा इसलिए नहीं आई। हाँ, थोड़ा सा हाथ इसका भी हो सकता है, बट मेन रीजन है कोविड। आमिर खान लाल सिंह चड्ढा पर काम तो बहुत पहले से कर रहे थे और 2020 में ये रिलीज भी हो जाती अगर कोविड नहीं होता तो। बट 2020 के बाद हमें इसकी रिलीज डेट पर रिलीज डेट मिलती रही, एंड फाइनली अब 2022 में जाकर इसका ट्रेलर आया है जिसमें इसकी रिलीज डेट 11th ऑफ अगस्त की है। देखो, लाल सिंह चड्ढा ये जो मूवी है वो 1994 में आई एक हॉलीवुड मूवी फॉरेस्ट गम का ऑफिशियल रीमेक है, और फॉरेस्ट गम खुद 1986 में आई एक नोवेल पर बेस्ड है। अब मैंने एक चीज नोटिस की कि जो मूवीज नोवेल पर बनती हैं उनके हिट होने के काफी ज्यादा चांस रहते हैं, क्योंकि आज के टाइम में काफी सारी एक से बढ़कर एक स्टोरी वाली नोवेल्स अवेलेबल हैं, एंड जब फिल्म मेकर्स को किसी नोवेल पर फिल्म बनानी होगी तो वो आसानी से सबसे बढ़िया वाली स्टोरी को पिक कर सकते हैं, लाइक 3 इडियट्स। आमिर खान की ये फिल्म भी एक नोवेल पर ही बेस्ड है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था फॉरेस्ट गम की, जिसमें लीड रोल प्ले किया था टॉम हैंक्स ने, और इन चचा को इनकी एक्टिंग के लिए ऑस्कर भी मिला है, इसलिए फॉरेस्ट गम में आपको एक्टिंग तो एकदम जबरदस्त वाली मिलेगी। और मैं श्योर हूँ कि लाल सिंह चड्ढा में भी आमिर खान की एक्टिंग एकदम जबरदस्त होने वाली है। वैसे दंगल फिल्म में आमिर खान ने बीएफएक्स या कॉस्ट्यूम का यूज करने की बजाय सच में अपना वजन बढ़ाया और घटाया था, एंड ऐसा ही कुछ सिमिलर सा लाल सिंह चड्ढा के ट्रेलर में भी दिखा है, जहां हमें आमिर खान के कैरेक्टर की लाइफ के अलग अलग फेज दिखाए गए। अब ऑब्वियसली आमिर खान बच्चा तो बन नहीं सकते, बट उसे छोड़कर अपने कैरेक्टर के सारे रोल्स आमिर खान ने खुद ही प्ले किए हैं, जैसे कॉलेज वाला लाल सिंह चड्ढा, आर्मी वाला लाल सिंह चड्ढा और लंबे वालों वाला लाल सिंह चड्ढा, सारे रोल्स आमिर खान ने खुद ही प्ले किए हैं। अब क्योंकि लाल सिंह चड्ढा फॉरेस्ट गम का ऑफिशियल रीमेक है, इसलिए इसकी स्टोरी भी एकदम सेम ही होने वाली है। एक ऐसे बंदे की स्टोरी जिसका IQ काफी कम है, पर वो अपनी लाइफ में काफी कुछ करता है, स्पोर्ट्स खेलता है, फिर आर्मी में जाता है, और एंड में आकर वो अपने चाइल्डहुड लव के साथ ही अपनी लाइफ स्पेंड करने की सोचता है, पर कहानी में आ जाता है ट्विस्ट और भाई साहब हो जाते हैं फ्रेंड जोन। बड़ा दुख है यार इनकी लाइफ में। तो देखो, मैंने यहाँ सिर्फ उतनी ही स्टोरी बताई है जितना हमें लाल सिंह चड्ढा के ट्रेलर में दिखा, इसलिए मैंने यहाँ पर कोई भी स्पॉइलर नहीं दिया है, और वैसे भी ज्यादातर लोग पहले ही फॉरेस्ट गम देख चुके होंगे। फॉरेस्ट गम जो नोवेल है, 1995 में उसका एक सीक्वल भी आया, लेकिन वो बस एक नोवेल तक ही सीमित रह गया, क्योंकि फॉरेस्ट गम मूवी का अभी तक कोई भी सीक्वल नहीं बना। पर हाँ, नोवेल का सीक्वल जरूर आया था। लाल सिंह चड्ढा की अगर आप कास्ट देखने जाओगे तो आमिर खान के बाद इसमें सलमान खान और शाहरुख खान का भी नाम जुड़ा है। ये गूगल कौन से नशे करता है यार। लाल सिंह चड्ढा को डायरेक्ट कर रहे हैं अद्वैत चंदन, और अगर ये डायरेक्ट कर रहे हैं तो काफी ज्यादा चांस है कि मूवी अच्छी ही होगी, क्योंकि अगर आप इनकी पहले की डायरेक्ट की गई फिल्मों पर नजर डालोगे तो वो है तारे जमी पर एंड सीक्रेट सुपरस्टार, और ये दोनों ही फिल्में बहुत ज्यादा बढ़िया हैं, इसलिए ज्यादातर चांसेस तो यही है कि लाल सिंह चड्ढा भी अच्छी ही होगी। हाँ, मुझे पता है कि फॉरेस्ट गंप एक बढ़िया मूवी है, और इसलिए आप ये सोच रहे हो कि इसकी जितनी भी रिमेक बनेंगी वो सब अच्छी ही होंगी, क्योंकि स्टोरी तो सब में सेम ही रहने वाली है। मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर डायरेक्टर अच्छा ना हो तो बढ़िया से बढ़िया मूवी का रिमेक इतना बेकार बन जाता है कि वो फिल्म ओरिजिनल के आसपास भी नहीं आ पाती। इसलिए मूवी भले ही रीमेक हो, लेकिन अच्छे डायरेक्टर का होना बहुत जरूरी है। अब हाँ, लाल सिंह चड्ढा भी फॉरेस्ट गंप जितना पैसा नहीं कमा सकती, और ना ही इतनी पॉपुलर हो पाएगी, बट इसकी स्टोरी टेलिंग काफी बढ़िया हो सकती है इसके डायरेक्टर अद्वैत चंदन की वजह से। भले ही इन्होंने अपने करियर में सिर्फ 2-3 फिल्में ही बनाई हो, पर अच्छी बनाई है। वैसे कुछ सालों से चाइना में आमिर खान की फिल्मों को वहां के लोग काफी पसंद कर रहे हैं, जैसे दंगल और सीक्रेट सुपरस्टार। हाँ, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान चाइना में भी नहीं चली, क्योंकि इस फिल्म में स्टोरी से ज्यादा एक्शन सीन्स पर फोकस था, लेकिन दंगल और सीक्रेट सुपरस्टार दोनों ही मूवीज की स्टोरी बहुत तगड़ी थी, इसलिए वहाँ के लोगों को ये इतनी पसंद आई। और लाल सिंह चड्ढा में भी एक्शन सीन्स कम होंगे और इसकी स्टोरी पर ज्यादा फोकस रहेगा, एंड अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है कि ये फिल्म भी चाइना से अच्छा खासा कलेक्शन कर ले, बट फिलहाल तो इसे इम्प्रेस करना होगा इंडियन ऑडियंस को, जो कि ये पिक्चर कर ही लेगी, क्योंकि स्टोरी को संभालने के लिए डायरेक्टर अद्वैत चंदन है, और एक्टिंग के लिए है आमिर खान, जो कि इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड बेस्ट एक्टर्स में से एक है। और हाँ, इसका ट्रेलर देखने पर तो ऐसा ही लगता है कि इन्होंने स्टोरी से ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की है, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि स्टोरी ही तो इस पिक्चर की जान है। हाँ, स्टोरी को इंडियन टच देने के लिए हल्के फुल्के माइनर से चेंजेस जरूर किए गए होंगे, पर उनसे कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बस स्टोरी अच्छी होनी चाहिए। यार, मैं तो इस फिल्म को डेफिनेटली देखूंगा, पर हाँ, साथ में एक रुमाल ले जाना पड़ेगा, क्योंकि भाई इसकी स्टोरी बहुत ही इमोशनल है। आप इस मूवी को देखना चाहते हो या नहीं कमेंट्स में बता देना। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाय।